हेलो सब लोग, मेरे पास एक रोमांचक नई परियोजना है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसका नाम एवरेज है। एवरेज क्या है? एवरेज एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक स्टेकिंग डैब है। ये अत्यधिक सफल T2X प्लेटफॉर्म से प्रेरणा लेता है। आप में से जो लोग T2X से अपरिचित हैं, उनके लिए यह एक अत्यधिक सफल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म था जिसने अपने बहुत से निवेशकों को समृद्ध बनाया। वे टोकन AVC कहते हैं। AVC टोकन प्राप्त करने के लिए आपको यहां एवरेज पैनल पर क्लिक करना होगा और अपने वॉलेट को ऐप से कनेक्ट करना होगा। यह आपको सीधे इस स्टेकिंग पेज पर लाना चाहिए। चूंकि हमारे पास अभी तक कोई AVC टोकन नहीं है, इसलिए हम अभी तक कोई स्टेकिंग नहीं कर सकते हैं। AVC टोकन प्राप्त करने के लिए आपको उनकी दैनिक नीलामी में भाग लेना होगा। फिर आप अपने BNB को AVC टोकन के लिए स्वाप कर सकते हैं। नीलामी पृष्ठ देखने के लिए यहाँ लॉबी पर क्लिक करें। यदि आप यहाँ देखें, तो एक उल्टी गिनती घड़ी है। यह टाइमर समय जब नीलामी समाप्त होती है। हम पहले दिन मौजूद हैं और नीलामी में भाग लेने के लिए हमारे पास अभी भी 11 घंटे 33 मिनट हैं। एक बार जब यह टाइमर समाप्त हो जाता है, तो यह नए नीलामी दिवस की शुरुआत को चिन्हित करते हुए 24 घंटे पर रीसेट हो जाएगा। इस पहले दिन की नीलामी में अब तक कुल जमा राशि में 571 BNB के साथ 329 प्रतिभागी हो चुके हैं। ये लोग वास्तव में इन टोकन के लिए बोली लगा रहे हैं। 3 मिलियन टोकन उपलब्ध हैं। मान लें कि आप एक BNB जमा करते हैं और दिन के अंत तक कुल BNB जमा 1000 है। फिर आपको 3000 AVC टोकन मिलेगा। इसलिए नीलामी द्वारा जितनी अधिक जमा राशि एकत्र की जाएगी, आपको उतने ही कम टोकन प्राप्त होंगे। नीलामी में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने वॉलेट को वेबसाइट से कनेक्ट करें, फिर एंटर पर क्लिक करें। BNB की राशि टाइप करें जिसे आप खर्च करना चाहते हैं। आपके द्वारा अभी दर्ज की गई राशि यहां योर डिपॉजिट्स के अंतर्गत दिखाई जाएगी। यह प्रत्येक एक BNB के लिए टोकन की वर्तमान संख्या दिखाएगा। यह संख्या कम हो जाएगी क्योंकि अधिक लोग नीलामी में अधिक BNB डालेंगे। आपके पास वर्तमान में जितने टोकन हैं, वे यहां दिखाए जाएंगे। यह संख्या भी घटेगी क्योंकि नीलामी में अधिक BNB जमा किया जाएगा। ये सभी नंबर नीलामी खत्म होने के बाद ही स्थायी होंगे। पहले दिन नीलामी के लिए 3 मिलियन टोकन हैं। प्रत्येक दिन बाद में नीलामी के लिए 5% कम टोकन होंगे, जिससे टोकन अधिक मूल्यवान और अधिक दुर्लभ हो जाएंगे। तो यह परियोजना में जल्दी भाग लेने का लाभ है। वैसे भी नीलामी समाप्त होने के बाद टोकन आपके वॉलेट में भेज दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास अपने टोकन को स्टेक करने का विकल्प होता है। बस स्टेकिंग पर क्लिक करें। यहां जितने टोकन आप स्टेक चाहते हैं दर्ज करें। आप अपने टोकन को 300 दिनों तक स्टेक कर सकते हैं। यदि आप अपना AVC टोकन स्टेक करते हैं, तो आप अपने स्टेक पर दैनिक ब्याज अर्जित करेंगे। जितनी देर आप स्टेक, जितना अधिक ब्याज अर्जित करेंगे, आपको BNB सिको में भुगतान किए गए लाभांश भी प्राप्त होंगे। यदि आप यहां लैंडिंग पर क्लिक करते हैं, आप अन्य उपयोगकर्ताओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम राशि स्टेक के लाभांश पर आधारित होगी। मूल रूप से आप अपने स्टेक को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हैं। जब तक आपके ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक आप अपनी स्टेक एकत्र या बेच नहीं सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप इसे दूसरों को उधार दे सकते हैं।
आप बस अन्य उपयोगकर्ताओं से ऋण अनुरोध भर सकते हैं और ऋण लाभ के साथ भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी ये उधार पृष्ठ अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम अभी भी पहले दिन पर हैं। आइए बाय एंड सेल पृष्ठ देखें। उदाहरण के लिए आप केवल 3 महीने के लिए अपने टोकन स्टेक करते हैं और फिर अचानक 1 महीने के बाद आपको पैसे की सख्त जरूरत होती है। आपके पास यहाँ अपना स्टेक बेचने का विकल्प है। वैकल्पिक रूप से आप इस पेज पर अन्य लोगों के स्टेक को खरीद सकते हैं। तो यह मंच की एक बहुत अच्छी विशेषता है। वैसे भी आय उत्पन्न करने का दूसरा तरीका रेफरल से है। यदि आप मित्रों को रेफर करते हैं तो आपको उनके नीलामी भुगतान का 5% मिलेगा। दूसरों के साथ रेफरल लिंक साझा करते समय आप उन्हें भी लाभान्वित करते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्येक नीलामी लेनदेन से अतिरिक्त 1% टोकन बोनस मिलेगा। वैसे भी यदि आप एवरेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए रेफरल लिंक का उपयोग करें। इससे हम दोनों को फायदा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको जल्द ही फिर से देखूंगा।